नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव भी 7 मई को होने जा रहा है। आप सभी की उत्सुकता लगातार ये बनी हुई है कि आखिर पहले चरण में कौन जीत रहा है, दूसरे चरण में कौन जीत रहा है। आप अपनी नज़दीक की सीट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं। मीडिया, कोई पंडित केवल कयास लगा सकता है, एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए हमने प्रत्याशियों या प्रत्याशियों को, चुनाव लड़ने वालों को सीधे सीधे इंटरव्यू करना शुरू किया है। उनकी बातचीत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप आइडिया लगा सकते हैं माहौल किसका गर्म है। इसी कड़ी में आज हमने ऐसे अतिथि को आमंत्रित किया है जो कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे। हमारा तात्पर्य है मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीट से। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की पुरकाजी विधानसभा से ये विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में हाल ही में मंत्री बने हैं, तो इसलिए मुजफ्फरनगर की विधानसभा में भी, मुजफ्फरनगर की लोकसभा में भी ये सक्रिय भूमिका निभाई है। 60-70 गांव में इन्होंने सभाएं की। आज इन्हीं से लेते हैं आकलन। ये जिस दल से इस दल में आए और इस दल से अब जिस दल में मंत्री बने हैं, यहाँ तक कि इनकी यात्रा कैसी रही, इनका पारिवारिक जीवन कैसा, इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से 3 बार के विधायक अनिल कुमार जी। अनिल जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे राजनीतिक चर्चा शुरू करें, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं, हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ ये जानकारी हो कि अनिल जी का पारिवारिक जीवन कैसा है, पत्नी बच्चे क्या है? पत्नी हाउसवाइफ है, दो उनका नाम है। उनका नाम घर में बिना है वैसे बीरमती है, ठीक, और 2 बिटिया है, बड़ी बिटिया ने भी बीकॉम किया है और कैट का एग्जाम दिया, एमबीए में एडमिशन की तैयारी है। छोटी वाली बिटिया 10th का एग्जाम देगी इस बार, होली अंजन मुजफ्फरनगर में ही स्टडी कर रही है। अच्छा, अभी दोनों अविवाहित हैं, अभी दोनों दोनों की पिता की जिम्मेदारी शेष है, कन्यादान शेष है। अनिल जी, आप 3 बार के विधायक, पहले बहुजन समाज पार्टी से हुए, इस बार समाजवादी पार्टी के नेता थे, लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते। दोनों दलों के मूल स्वभाव में अंतर, बसपा का मूल स्वभाव और जिस पार्टी के सिंबल से आप, दोनों के मूल, दोनों में आपको क्या अंतर महसूस होता है? अंतर तो कुछ नहीं है, ठीक है सब। जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से बन जाता है और किसी विचारधारा को लेकर काम करता है तो उसका असर उसके जीवन पर शारीरिक रूप से भी आता है, फिजिकल रूप से भी आता है। तो मैंने एक बहुजन विचारधारा के साथ में राजनीति शुरुआत की, तो उस विचारधारा से बंधा हुआ हूँ, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ में काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है और जो बहुजन की विचारधारा है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं मैं मानता, 19-20 का अंतर जरूर मानता हूँ। वो किसानों की राजनीति करते हैं, अब मान लो जो हमारे बहुजन लोग हैं वो ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं उसमें कोई ज़्यादा फर्क भी महसूस नहीं करता और ना कोई अपने आप को ज़्यादा असहज मानता राष्ट्रीय लोकदल काम करने में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, तमाम सभी उन वर्गों की बात उठाने का काम करते हैं जो वर्ग सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करते हैं, वही बहुजन राजनीति है। तो मैं ज्यादा सहज नहीं मान रहा, मैं अपना आपको बिल्कुल फिट हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत खूबसूरती से अपना जवाब दिया। अनिल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर के आसपास के जिलों का भौगोलिक परिवेश ये है कि जाट और जाटव, जाट RLD का समर्थक माना जाता है, जाटव बसपा का समर्थक माना जाता है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत सर्वे रहा है कि जिस जगह, जिस गांव में जाट बाहुल्य गांव है, जहां जाट मतदान करता है, जाटव उस जगह मतदान नहीं करता। तो ये कहना कि दोनों की विचारधारा एक है, किसान और मजदूर पहले एक हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पहले अब से 10-20 साल पहले तक
एक ठप्पेबाजी की एक परंपरा थी, तो मजदूर को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में जागृति आई, दलित समाज में भी अपने हक को लेने की जागृति आई, मतदान के लिए एग्रेशन आया, जिसके बाद से और बहन जी के आने के बाद से ये बढ़ाता, इसको स्वीकार करना चाहिए। और बहन जी के बाद दलित समाज के एक स्वर निकलने लगा जो सामान्यता पहले बसते थे। पहले समाज में ऐसा भेदभाव था कि अपर कास्ट के लोगों की वो चारपाई पर उनके बराबर में कुर्सी पर बैठने में भी परहेज करते हैं। पूर्वांचल में ये परंपरा आज भी, हालांकि पश्चिम में ये परंपरा नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में ये परंपरा आज भी है कि अपर कास्ट के लोगों के सामने दलित समाज के लोग सामान्यतः कुर्सी पर बैठना में हिच करते हैं। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है और काफी कम हुई है, ये बात सही है। इन सब मूल विचारधाराओं के विपरीत आपको भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में वोट को डाइवर्ट कराना कितना कठिन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता जो दलित मतदाता है वो हाथी को देखकर झूमता रहा है। पिछले 7-8 साल से, जब से बहन जी थोड़ा निष्क्रिय थी तब से उनका उत्साह कम था, लेकिन इस चुनाव में दलित मतदाता का उत्साह पहले की तरह वापस दिखाई दिया और हर बूथ पर हर जगह बहन जी का हाथी मौजूद था। हाथी के स्थान पर अन्य किसी सिंबल पर, और वो भी चलिए मुजफ्फरनगर की बात छोड़ दे, बिजनौर की बात करें, नल पर दलित को लाना कितना आसान था, मेरा यह सवाल है। ये बात सही है कि जब समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म कमजोर है, और जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो भी एक राजनीतिक सोच रखता है, 4 बार वो सत्ता पर रह चुका और 2012 से सत्ता से बाहर था, तो कहीं ना कहीं जब बीएसपी का प्लेटफॉर्म कमज़ोर हुआ तो उस बेस वोट ने ये महसूस किया कि बहन जी का प्लेटफॉर्म कमज़ोर हो चुका है और बहन जी आज अपने आप को रिवाइव करने में असमर्थ है। वो रिवाइव कर नहीं पा रही, वो करना नहीं चाहती या कर नहीं पा रही, वो तो उनका विषय है, वो तो वो जाने। हाँ, ये भी चर्चा रही है कि बहन जी पर बीजेपी का, ईडी का, सीबीआई का ऐसा डर है। कुछ भी हो सकता है, मैंने दोनों बात कही, वो रिवाइव करना नहीं चाहती या कर नहीं पा रही, वो उनका विषय है। लेकिन जो है सपा के साथ में काफी वोट बैंक 2022 में शेड्यूल कास्ट का, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग का, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो काफी वोट जो है बिना मांगे समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन की तरफ 2022 में गया था, और वो हमें मिला और लोगों मिला, सभी प्रत्याशियों को मिला है, उसका लाभ भी मिला है। और आज राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, और आज ये जरूर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी सहजता से उस वोट बैंक को हम दूसरी तरफ ले जा सकते थे, इधर ले जाने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर है। लेकिन मैंने, मेरा यही सवाल है अनिल भाई, मेरा यही सवाल है कि दलित का और खास तौर से जाटव का पहला है हाथी। हाथी नहीं हो तो 14, 17, 19, 22 के चुनाव में उसने सेकंड ऑप्शन फूल को चुना है। साइकिल और नल उसके लिए स्वीकार्य सिंबल नहीं थे। बिजनौर लोकसभा में मतदान के दिन की जो रिपोर्ट है, वहां ऐसी बहुत जगह बूथ थे जहां उसे अगर हाथी से कन्वर्ट करना था, ये किसी अन्य हिंदू मतदाता को उसको नल दिखाई दे रहा था, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि साहब ये नल और फूल एक ही हैं, वह मतदाताओं को जो पढ़े लिखे कम थे उन्हें दिक्कत आई। मेरा सवाल यही है कि नल के सिंबल पर जिससे शुरू से विवाद रहा पुस्तों से, नल, माफ करना, नल जाट का प्रतीक और हाथी दलित का प्रतीक, तो इनमें बहुत जाट जाटों में कहने को एक वे का अंतर है पर दूरी बहुत है और सैद्धांतिक रूप से अब तक प्रैक्टिकल रूप से गांव में दिखाई देती रही है, नई पीढ़ी में घट रही है लेकिन अभी भी पुरानी पीढ़ी में यह बदस्तूर है और पूर्वांचल में बहुत ज्यादा है। उन परिस्थितियों में साइकिल हाथी पर वाले मतदाता को, जबकि बिजनौर में हाथी मौजूद था, आपके लिए नल पर लाना कितना दुष्कर था और कितना प्रभावी आप रहे होंगे? देखिए ऐसा है, ये सब कुछ निर्भर करता है नेता की सोच के ऊपर। जिस नेता के साथ आप जुड़े हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को लीड करने वाला जो नेता होता है
मानो राष्ट्रीय लोकदल को आज आदरणीय जयंत चौधरी जी लीड कर रहे हैं, तो उनकी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, चौधरी चरण सिंह जी के इतिहास में जाएं, तो बहुत सारे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, मतलब अनेकों पद पर बढ़ाने का काम किया, मुख्यमंत्री तक भी बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी हों, हमारे क्षेत्र में नंदराम जी थे जो चौधरी चरण सिंह जी के लिए प्रचार प्रसार काम करते थे, ढोलक बजाकर काम करते, उनको बढ़ाने का काम किया है। मनफूल सिंह थे, बीएस विनोद थे, मनफूल सिंह, हमारे महावीर आचार्य, हमारे कसियारे के हमारे मामा नैन सिंह थे, वो भी बीकेडी से एमएलए रहे 60 के दशक में 10 साल। तो बहुत सारे वो नेता की सोच के ऊपर। अनिल भाई, अनिल जी, दलित जी को नेता बनाने में आरएलडी के वोटरों ने तो हर बार रहा। मुझे ऐसा उदाहरण भी बताएं कि जहां दलित समाज ने आरएलडी के नेता को नेता बनाया हो, सहर्ष मतदान किया हो, वो उदाहरण बताएं। ऐसे उदाहरण तो अनेकों हैं, जैसे पुरकाजी। उसी बात को, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, मैं कह रहा था आज मान लो बीच में क्या दौर रहा जी, बीच में दौर क्या रहा, आरएलडी का बेस वोट क्या सोचता था हमारे विषय में। लेकिन आज जयंत चौधरी जी के हाथ में बागडोर है, उन्होंने एक अलग दिशा से हटके कदम उठाए हैं पार्टी में। अनिल कुमार को अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया, ये छोटा कदम नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। विशेषकर हम अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैंने अध्ययन कराया कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में फर्स्ट टाइम किसी को कैबिनेट मिला है। ये जो है, ये मौका बहुजन समाज पार्टी में भी हमारी बिरादरी को नहीं मिला। तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी वर्ग विशेष के लिए कोई कदम उठाएंगे, उनके लिए मान सम्मान की बात करेंगे, तो वो वर्ग भी ऐसा नहीं सोचता है। ये जो भी कोई पार्टी कोई सम्मान देना काम करती है, वो उस नाम को या व्यक्तित्व को नहीं देती, वो उसको समाज को टारगेट करती है। तो जयंत चौधरी जी ने अनिल कुमार को ये सम्मान देकर हमारे समाज को टारगेट करने का काम किया है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज पहले से वोट कर रहा है। दलित समाज में बहुत सारी बिरादरियां हैं, बहुत सारे हैं, विशेषकर जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो जाटव है, जाटव या मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम उसको चमार भी कहते हैं, चमार भी कहते हैं, वो बेस वोट है, वो बेस वोट है, वो थोड़ा सा अलग चलता है। नहीं तो बाकी मान लो आप खटीक ले लो, धोबी ले लो, खटीक हो, वाल्मीकि हो, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, ये भी कुछ 5-10% वोट देता है बीजेपी को। और ऐसा ये चुनाव हुआ है, जो ये चुनाव हुआ है अब 24 वाला, तो जब ये इतना बड़ा इसमें काम एनडीए की सरकार में एक कैबिनेट में जाने का मौका मिला आदरणीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तमाम सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला है। तो हमने ये बात जब लोगों के बीच में रखी, तो लोगों ने इस बात को सराहा, जयंत जी के निर्णय को सराहा है। और मैं जितने भी गाँव में गया, वहाँ हमें वो वोट मिला है। देखो, वो वोट किसी ना किसी एक पार्टी से बंधा हुआ वोट है। यदि आप उनमें जाओगे, उनको टच करोगे, तो वो आपको मिल जाएगा। यदि आप टच नहीं करोगे, तो फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, वो कहता है चाहिए हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फिर वो हाथी की तरफ चल देता है। तो मैंने जैसे आरएलडी के जो जाट मतदाता, आधार मतदाता, उनके दिमाग में जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप है, ऐसे ही दलित के, ऐसे जाट के और चमार के मन में निश्चित रूप से आती है। मेरा प्रश्न यही है, किसी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। वही मेरा सवाल, मेरा प्रश्न केवल यही है। राष्ट्रीय लोकदल का जो जाट समाज, उसकी रीढ़ है, जाट समाज जो जुड़ा हुआ है, वो चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से जुड़ा हुआ वोट है, उसे आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही दलित भी है, वो बहुजन समाज पार्टी जुड़ा हुआ वोट है, वो आज किन परिस्थितियों में परेशान हाल है वो बात अलग है, लेकिन वो एक फिर भी ये चाहता है कि मेरी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको मैंने सींचा है, ये कहीं ना कहीं खड़ी हो जाए, वो ये भी जरूर चाहता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देख कर वो निर्णय कर रहा है, उसने 22 में निर्णय किया। जहां बहुजन समाज पार्टी को, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, जहां बहुजन समाज पार्टी को, मैं चुनाव हार गया था पिछला, लेकिन 48,000 वोट मिला, और मैं 22 का जब चुनाव लड़ा 17 के बाद, इस 22 में मात्र उसको 25,000 वोट मिला, तो उस वोट बैंक ने मुझे वोट दिया है। नहीं देखिए, आपको वोट देना, हाँ, आपको वोट देना,
आप उस समाज के तीन दो बार पहले विधायक रह चुके, उस समाज के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल में दलित समाज की एकमात्र उम्मीद आप हैं, कोई और आपके टक्कर का नेता नहीं है जिसके पास दलित सहज मानकर अपने काम के लिए चला जाए। आज हमारे जिले में और आसपास के जिले में आप बड़ा नाम है, पिछले कई बार से कई बार चुनाव जीते, कई बार विधायक बने, तो दलित को आपके घर पे घंटी बजाने में कभी संकोच नहीं होता है। एक मजबूत दरवाजा उसके लिए है, तो आपको वोट देना लगे, लेकिन आपके कहने पर नल को वोट देना क्या सहज है, मेरा प्रश्न ये है। देखिए जयंत जी ने, मैं आपको उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप बिजनौर लोकसभा करें, मैंने कहा, मैंने सोच से ज्यादा इस पे प्रश्न पे आऊंगा, मैं आगे उस सवाल में इसी पे आऊंगा, सोच से ज्यादा काम किया है। और जहां मैं गया वहां उन्होंने अनिल कुमार के माध्यम से भाई चंदन को वोट दिया है हैंडपंप पे। मैं अपने लिए लेना मेरी अलग बात है, मैं ज्यादा ले सकता था, लेकिन उन्होंने मेरे सम्मान में चंदन को भी वोट किया है। आप कितनी वोट गई होगी बैंक को, आप सीधा किसी विचारधारा से एकदम नहीं जोड़ सकते, पहले उसको आपको व्यक्तिगत रूप से कितनी वोट के बाद पार्टी जोड़ सकते हो आप। चंदन को दलित समाज लोकसभा भी वोट दिया संजीव बाली, नहीं चंदन को दलित समाज की कितनी वोट चली गई होंगी? अगर मैं अपनी, मैंने अपनी विधानसभा के गांव जितने मैं अपने चुनाव में कवर करता उससे ज्यादा कवर करे, मैंने सारे गांव दो दो बार भी गया हूँ, मेरी विधानसभा में 10,000 से ज्यादा वोट डले हुए बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम 70% वोट होकर पड़ता है तो कम से कम 16,000 में से 10,000 वोट डलेगा, तो 10,000 वोट डला हुआ चंदन भाई को पड़ा हुआ है पुरकाजी विधानसभा के अंदर। मीरापुर में अलग है, हस्तिनापुर में जहां गया वहां का अलग है। आपके विधानसभा में 10,000 वोट मिला है? हाँ, रालोद को जाटों की, अनिल भाई को तो ज्यादा मुस्लिम है, संचंदन को जो मिला है। हाँ, आप, मेरा सवाल यह है कि रालोद को जाटों की पार्टी माना जाता है, जब एनडीए इंडिया गठबंधन में थे, एनडीए में गए, तो मुस्लिम पिछले 10 साल से रालोद को यहां तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2013 के बाद जब जिले में हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ गई थी, नफरत चरम पर थी, तो राष्ट्रीय लोकदल खत्म हो गई थी, कोई सीट इस जिले से नहीं आई थी। धीरे धीरे मेहनत की मुस्लिम ने, धीरे धीरे जाट पर यकीन शुरू किया, गाँव में मुस्लिम का जाट के बीच की दूरी थी खत्म हुई, और पिछले कुछ साल में जैन जी सर्व समाज के जाट और मुसलमान के बड़े नेता के रूप में उभर के आए, जिसका परिणाम ये रहा कि मुजफ्फरनगर की एक उपचुनाव को जोड़ ले तो 5 में से 4 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, वो बराबर के जिले की तीनों सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, अन्य जिलों में वो अपेक्षित परिणाम RLD को नहीं मिला। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का जैन जी के प्रति बढ़ा हुआ विश्वास था, मुस्लिम ने बल्क में जाट के साथ मिलकर वोट किया, और जाट का एक बड़ा परसेंटेज पहले ही भाजपा में था, लेकिन जाट के साथ मुसलमान मिलकर बड़ी ताकत बना, और जो प्रत्याशी की जाति वो जुड़ के आराम से सहजता से वो 4 सीट मुजफ्फरनगर में जीत गए 3-3। क्या यकायक जयंत जी का इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाना आपके दृष्टिकोण में कैसा फैसला है, इसका पार्टी के वर्तमान और भविष्य पे क्या प्रभाव? देखो ऐसा है, जब गठबंधन होता है वो दो पार्टी के विचारधाराओं का गठबंधन होता है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट पश्चिम में मुस्लिम समाज है, वो उसकी पहली पसंद समाजवादी है, दूसरे लोकदल दूसरी पसंद हो सकती थी, लेकिन पहली पसंद उसकी समाजवादी पार्टी है। अगर वो राष्ट्रीय लोकदल को मिला पहले कुछ दिनों में, समाजवादी पार्टी गठबंधन के कारण मिला था। अनिल जी कुछ महीनों में एक चेंज आया था कि पहली पसंद मुस्लिम की कांग्रेस, सेकंड पे पश्चिम में लोकदल, तीसरे पे सपा थी, पिछले दिनों माहौल ये भी बन गया था। वो अगर हम नेशनल चुनाव को देखें, असेंबली चुनाव को छोड़कर अगर हमने लोकसभा के चुनाव को देखें, तो उसकी पहली पसंद कांग्रेस रहती है, क्योंकि उनकी पेरेंटल पार्टी भी यही है, वो पेरेंटल पार्टी है, पेरेंटल पार्टी भी, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम स्टेट स्तर पर देखें तो उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी रहती है, और समाजवादी पार्टी के हिसाब से ही वोट बैंक दूसरी पार्टी जो जिसके साथ गठबंधन होगा उसको मिलता है जी, मिलती जुलती विचारधारा अगर यदि है तो, ऐसा नहीं वो बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बीजेपी वोट है तो ऐसा नहीं है। मान लो मुस्लिम समाज का वोट व्यक्तिगत रूप से सभी प्रत्याशियों को मिला है, बीजेपी के संजीव बालियान जी को मिला है, मेरे माध्यम से हमारे जो है मेरी विधानसभा में मिला है, चंदन भाई के माध्यम से चंदन को मिला है, व्यक्तिगत रूप से मिला है, मैं ये नहीं कहता। वो देखो वो एकदम पार्टी का नहीं है,
वो उम्मीदवार का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से मिला है। जहां आरएलडी का सिंबल है वहां सहजता से कुछ ज्यादा मिल गया। इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाना जैन जी का फैसला सही है गलत है? नहीं, वक्त के हिसाब से सही है। कौन सा पार्टी कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी हो, वो कौन सा वक्त, क्या सत्ता में जाने की लालसा? ऐसा जैसी जिस समय उस समय जो परिस्थितियां थी, जब इंडिया गठबंधन बना था, और इंडिया गठबंधन जब बना था उसमें सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी यात्रा पर चल दी, यात्रा से पहले उसको सीट शेयरिंग पर बात करनी चाहिए थी पूरे देश के अंदर सभी पार्टियां से, जितनी पार्टियां उस गठबंधन में थी। सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई, डिफ्रेक्शन हुआ तमाम सभी पार्टियों में। नीतीश जी जो उसके संयोजक थे, एक तरह से तमाम सारा जो है पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा करने वाले नीतीश जी थे, नीतीश जी चले गए। तो उससे क्या हुआ, जो आवाम है, आम जनता, जो और नेता थे, जो छोटी पार्टी के, जो छोटी पार्टी थे, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल एक छोटा दल है, तो ऐसे पार्टियों में एक अविश्वास की भावना पैदा हुई, भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो हमारा कार्यकर्ता भी तो ये चाहता है कि मान लो वो लाठी डंडे खा रहा है 10-12 साल से विपक्ष, वो भी चाहता है सत्ता में रहे। और जब अच्छा, अनिल जी आप पहले 2 बार बसपा के एमएलए रहे, सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी बसपा के एमएलए रहे, अब आप आरएलडी के विधायक रहे, अभी तक तो विपक्ष में थे, सत्ता में बसपा में विपक्ष में रहे, इसमें भी, अब आप सत्ता में भी हो, एक महीना डेढ़ महीना दो महीना सत्ता का भी आनंद हो गया है, दोनों में क्या मूल अंतर लग रहा है, बसपा के विधायक में और आरएलडी के विधायक में? सत्ता का एंजॉय करने में किसमें सहजता है, किसमें ज्यादा प्रभाव है? देखो ऐसा है, ये अगर हम इसकी विस्तार से बात करें, जब क्षेत्रीय जो पार्टी होती है वो किसी प्रदेश में हो, क्षेत्रीय पार्टियों का शासन प्रशासन का प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि वो निर्णय जो है ना, निर्णय करने में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहती है एक तरह से। सीएम ही बहन जी के समय में अफसर, बहन जी के समय में अफसर ज्यादा वेटेज देते थे या लोक दल के राज में ज्यादा वेटेज दे रहे हैं? नहीं, बहन जी के समय में शासन सतर्क रहता था, वो काम ज्यादा। बहन जी के समय में यदि बसपा के किसी नेता का फोन आता था, विधायक की तो बात छोड़िए, तो अफसर उसको बहुत गंभीरता से लेता था। अभी रिसेंटली की घटना, एक अफसर का कहीं चर्चा थी, उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री जी ने कहा कि मैं तुझे बलिया भेज दूंगा, उसने जवाब दिया आपको ये कि भेज दीजिए, मैं तो बलिया की तरफ का रहने वाला हूं। क्या बहन जी के समय में अफसर इतनी सोच सकते थे? नहीं, मैंने आपको कहा ना, क्षेत्रीय पार्टियों में प्रभाव ज्यादा रहता है, प्रभाव ज्यादा, लेकिन वही मेरा सवाल है, कंट्राडिक्शन आपका यही है, जो मैंने 20 साल क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय पार्टियों में प्रभाव ज्यादा होता है, क्षेत्रीय पार्टियों में प्रभाव ज्यादा रहता है प्रशासन पर, शासन पर, और मुझे लगता है राष्ट्रीय दलों में। आप तो क्षेत्रीय दल है, आप तो क्षेत्रीय दल है, आज अफसर साहब, हम क्षेत्रीय दल में, हम तो अपनी विचारधारा पर कायम है, हम अपना काम तो आज क्षेत्रीय, आज वर्तमान शासन में ये तो आप स्वीकार करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी बियॉन्ड कंट्रोल हो गई, उस पर अंकुश कम है, वो जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की बात कम सुन रही है, अफसर साहब बेलगाम है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो जनता की आम शिकायतें हैं। ये कुछ जनता में है तो हड़का सा। देखो हम लोग अब सत्ता, देखो हम लोग सरकार के साथ जुड़े हैं, आदरणीय जैन जी ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग एनडीए में जा रहे हैं और सरकार में शामिल भी है, कैबिनेट में जाने का मौका मिला है। अब जो भी अच्छे सुझाव हैं सरकार को देंगे, जो बातें मान लो हम लोग विपक्ष में उठाते थे, ये जो बात आप कह रहे हो, हमने इन सब बातों को विपक्ष में 2 साल तक हमने उठाया है इन सब बातों को। तो कई बार क्या होता है, मान लो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, तो कई बार अलायंस पार्टनर पर या बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं वो सही बात नहीं पहुंचा पाते हाईकमान पास। तो मेरा तो ये मानना है, मान लो हम लोग जो है, जो सही बात है, जो 2 साल में हमने रीड की है विपक्ष में रह के, जो रीड की है, तो वो जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने रखेंगे, कुछ बातें हैं दूर होंगी निश्चित रूप से। जब एनडीए में आप शामिल हुए थे तो चर्चा आई थी कि एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री मिलेगा, कैबिनेट मंत्री में राजपाल बालियान का नाम चल रहा था, राज्य मंत्री में अशरफ का नाम चल रहा था, चंदन चौहान का नाम चल रहा था, फिर लोकसभा के लिए चंदन का नाम कट गया, कभी प्रशांत चौधरी का नाम, और जब आया नंबर तो अनिल कुमार का। क्या आपको उम्मीद थी कि जयंत जी आपको बनाएंगे? नहीं, मैं राज्य मंत्री की जरूर उम्मीद कर रहा था।
कि अगर अगर मौका मिलेगा दूसरे नंबर है। वो जाट का उम्मीद थी और राजपाल बालियान की उम्मीद की जा रही थी कि राजपाल बालियान चूंकि सबसे सीनियर है, पुराने हैं, मिलेंगे। जयंत जी ने अपने आधार विधायक है, सब काबिल है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक मिनिस्टर बनना सरकार में वो अनिल कुमार का बनना ये बड़ी बात है, ये हमारे समाज के लिए बड़ा सम्मान की बात है। वही मेरा पूछना है कि जयंत जी के अपने आधार मतदाताओं के, उनके तीन एमएलए चार एमएलए उन आधार वोटरों ने बनाया है, उनको दरकिनार करके एक दलित नेता को कैबिनेट मंत्री का करना, जयंत जी का फैसला आप कैसा देखते हैं? जयंत जी का बहुत ऐतिहासिक फैसला है और हमारे समाज में, विशेषकर गरीब समाज में, एक बहुत अच्छा संदेश है और अप्रत्याशित फैसला है जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे अपने समाज में तो बहुत सराहना हुई है, लोगों ने बहुत स्वागत भी किया है और एक अच्छा महसूस हमारे लोग कर रहे हैं। और उन्होंने जितना भी संभव हुआ उस कर्ज को वोट के रूप में उतारने का उन्होंने काम भी किया है। मैंने शुरू में कहा आगे भी, आगे भी हमारा वोट है, इतनी आसान नहीं होता। अब जब 27 का चुनाव आएगा तब भी कहीं जाट जाटव इकट्ठा मतदान करता दिखाई देगा गाँव में? नहीं, जाट जाटव अभी उपचुनाव होगा, चंदन भाई चुनाव जीत रहे हैं, उपचुनाव होगा मीरापुर पे, वहां भी जाट जाटव इकट्ठा दिखाई देगा, उसमें बड़ी जिम्मेदारी मिली रहेगी। कौन प्रत्याशी है मीरापुर से उपचुनाव में? प्रत्याशी कोई भी हो तो आदरणीय जयंत जी को तय करना है, लेकिन हम अपने समाज को डाइवर्ट करेंगे राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन की तरफ। पुरका जी आपका बिजनौर में है, बिजनौर की चर्चा आपने, चंदन जी जीत रहे हैं, कितनी वोट चंदन जी को मिल रही है? चंदन जी चुनाव जीत रहे हैं डेफिनेट। किससे मुकाबला है चंदन का? मुझे लगता है समाजवादी से होगा, पहले बीएसपी से दिखाई दे रहा था लेकिन बीएसपी से मुकाबला है नहीं। बीएसपी के कितने वोट पड़ी होंगी जिनमें आपने कितने की डेंट लगा दिया होगा? देखो, हमारी विधानसभा में मुझे लगता है कि 35 प्लस की लीड रहेगी, 35 प्लस में 50 तक भी जा सकती है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी विधानसभा में पूरी उतर गई, जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने अपनी विधानसभा में भाई चंदन को चुनाव लड़ाने का काम किया है, अगर वो स्ट्रेटेजी पूरी धरातल पर उतर गई तो 50,000 की लीड पुरका जी से होगी, नहीं तो 35 तक कम तो रहेगी नहीं पक्का। चंदन आपके हिसाब से जीत जाएंगे, सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी रहेगी, बसपा उस उम्मीद पर बाद में नहीं पहुंच पाएगी। बसपा में 10-20-30 हज़ार का अंतर रहेगा, 10-20-50 हज़ार का ही। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर लोकसभा के बारे में, संजीव बालियान जी के बारे में आप घूमे होंगे क्षेत्र में, क्या राय है? संजीव जी जीतेंगे, हरेंद्र जी जीतेंगे या बसपा प्रत्याशी जीतेंगे? नहीं, बीएसपी तो कोई मतलब ही नहीं था, बीएसपी तो तीसरे नंबर लड़ाई लड़ रही है, दोनों का मुकाबला है, जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? बसपा प्रत्याशी कितने पहुंचेंगे? मेरे हिसाब से पहुंचेंगे 1.5 लाख के आसपास। अच्छा, अगर 1.5 लाख तक पहुंचते हैं, 1.5 लाख तक पहुंचते हैं तो संजीव जी की जीत हो जाएगी जी। और 1.5 से नीचे होंगे तो लीड बढ़ जाएगी, 1.50 से 1.60 तक पहुंच जाएंगे तो संजीव जी की जीत है। ठीक है, और ये 9 लाख में 4.5 प्लस संजीव है, 9 लाख है, 4.5 4.5 प्लस संजीव रहेंगे, 4-4.35-40 तक मेरे हिसाब से मेरे हिसाब रहेंगे। ओके, चलिए साहब, आपने दोनों सीटें अपने, आपने दोनों सीटें अपने गठबंधन को जिता दी है, आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फैसला अब जनता कर चुकी है, 4 तारीख को ईश्वर करेंगे फैसला कौन जीतेगा। पहले दोनों में 16 वोट पड़ी है सीट में, चुनाव हुआ तो 16 में क्या स्थिति, आसपास की सीट के बारे में कैराना में क्या लगता है? कैराना में भी जीतेगा, असल में क्या है, बहुजन समाज पार्टी सपा बसपा पिछली बार एक थी प्लस लोकदल भी थी, उस समय भी नहीं जीत पाए, आज बीएसपी अलग लड़ रही है, ठीक है कुछ विरोध का वोट दाएं बाएं हो रहा है लेकिन वो उसे कवर नहीं कर पा रहा, बसपा का जो डैमेज हो रहा है उसे वो कवर करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, बसपा का वोट पिछली बार, बसपा का टोटल वोट मिला था 100% 99% वो चौधरी अजीत सिंह जी को गया, 99%। मैं इस वोट को जानता हूँ कि जो है पिछली बार दलित वोट जो है 19 में बीजेपी को चला गया था, यहाँ गलतफहमी में है,
और वो इस बार बीएसपी को गया है, तो वो डेंट जो बीएसपी का है उसे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जब आपके हिसाब से पहले जैसे जैसे अनिल जी माना ये जा रहा था कि पिछली बार जहां पर हाथी का सिंबल था, क्योंकि 10 सीट जीते थी बसपा कि उसने तो वोट दिया, लेकिन जहां सपा का सिंबल या कोई और सिंबल था वहां दलित मतदाता ने भाजपा को मतदान किया, इसके लिए आप मुझे फनगर का उदाहरण ले लो, आप मुझे फनगर का उदाहरण ले लो, मुझे फनगर में कितने वोट मिले संजीव बालियान जी को पिछली बार? 5,87,000 के आसपास थी शायद ना, देखना जरा आपके पास है डाटा तो मुझे निकालना। 5,73,780 वोट संजीव बालियान जी को मिली, 5,67,254 चौधरी जीत सिंह जी को मिली। 5,73,000 वोट तो टोटल मुस्लिम नहीं हो सकता ना, नहीं मुस्लिम भी था, जाट भी था, एक तरफा जाट भी था मुस्लिम भी था। देखो और... जाट की 1,60,065,000 वोट है टोटल पूरी लोकसभा, अब कितना डल जाएगा उसमें बताओ आप, जिसमें अधिक मात्रा में पिछली बार मुझे लगता है कि जाट समाज संजीव बालियान को ज्यादा गया, हमारे चौधरी साहब को कम मिला था पिछली बार का जो मेरा आकलन है, तो दलित समाज टोटल इसी के अंदर है, 5,67,000 में दलित भी है। संजीव बालियान जी को जो सपा बसपा आरएलडी के कई दिग्गज नेता थे जो चुनाव में गठबंधन की बजाय संजीव बालियान जी की मदद कर रहे थे पिछली बार, वो सब लोग करते हैं हर चुनाव में, कोई कोई सब अनिल जैसे नहीं हो सकते, हमारे लिए तो नेता का आदेश सर्वोपरि है। हाँ होते हैं हर चुनाव में होते हैं, अभी भी थे डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव में, बहुत सारे लोग अधिकतर लोग जो उनके विरोध में काम कर रहे थे उनकी पार्टी के लोग, गठबंधन में भी ऐसा ही था, गठबंधन वाले इधर थे तो वो तो बैलेंस हो गया बराबर वो बराबर हो गया। अच्छा अनिल भाई, आपने राजनीति की शुरुआत की, अनिल जी आपने राजनीति की शुरुआत की बसपा से, फिर आप सपा में आए, सपा ने ही आपको टिकट दिलाया नल के निशान से, अब आप लोक दल के नेता हैं, तीनों में किस दल में राजनीति करना आपको सहज और अच्छा लगा? बस जहां मैंने शुरुआत की थी या तो वहां मुफीद था, या आज मैं सबसे ज्यादा मुफीद अपने आप को राष्ट्रीय लोकदल मानता हूं, बीच वाला सही नहीं था। नहीं अगर वो मुझे रखते, अगर वो मैंने अखिलेश जी को उस समय ये कहा था, मगर साहब मैं समाजवादी में आया हूँ, आप मुझे सिंबल साइकिल का दे दो, अब उस समय सिंबल जो है तो उन नेताओं में बात हुई, मुझे लोकदल का मिल गया, अब राज्यसभा के चुनाव में ये बात आई थी भाई आप हमारे थे आप हमें वोट दो, तो मैंने मेरी बात हुई थी अखिलेश यादव जी से, मैंने उन्हें ये कहा था साहब एक बात सुनो, देखो मैं सिंबल के साथ धोखा नहीं कर सकता, इस बात को आप आदरणीय जयंत चौधरी जी से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं धोखा नहीं करने का। नहीं जो बात मैं इस बार जो एनडीए से एनडीए में जाने का एक बेसिक कारण दिया गया है कि समाजवादी पार्टी टिकट तो साथ दे रही थी पर आदमी अपने उतार रही थी, ये आरोप लगा खासतौर से मुजफ्फरनगर सीट के लिए, हालांकि मुजफ्फरनगर आपकी पार्टी ने ली नहीं, मुजफ्फरनगर में भाजपा की पई रही है। जो परिस्थिति 2022 के विधानसभा चुनाव में थी, मुजफ्फरनगर किसी 6 विधानसभाओं में 5 सिंबल आरएलडी के थे और प्रत्याशी 4 पर सपा के थे, आप सपा के नेता थे, चंदन जी सपा के नेता थे शहर में, बंटी स्वरूप सपा के नेता थे और राजपाल सैनी सपा के नेता थे, यही कमोबेश स्थिति तब थी, और उसमें से 2 आदमी सपा वाले मुजफ्फरनगर में जीते जो आज आरएलडी की शोभा बढ़ा रहे हैं, एक मेरठ में जीते और भी, तो तब ये अच्छा लग रहा था जब चूंकि आरएलडी 1 एक विधायक जीते तो वो भी चले गए थे, और उस समय एक के जब 9 विधायक हो गए तब ये खराब लगने लगा कि सिंबल उनका नेता हमारे, जो परिस्थिति यदि एनडीए में वो न जाते और इंडिया में रहते, अगर ये बात मान भी ले कि 1-2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी वो दे भी रहे होंगे तो फिर भी वो रहते तो आप ही की तरह, जैसे अभी आपने बताया कि अखिलेश जी को आपने सिंबल के साथ, फिर वो वफादार के साथ ही रहते। मैं इसका जवाब दे दूं जी, 22 की परिस्थिति अलग थी, आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथ में बागडोर आई थी उस समय, चौधरी जी सिंह जी के जाने के बाद में परिस्थितियों अनुसार गठबंधन हुआ, कुछ लोग समाजवादी के लोकदल में गए, प्रत्याशी चुनाव लड़े, 9 MLA 8 MLA जीते, 1 उपचुनाव जीते, 9 विधायक हम लोग जीत कर आ गए, उसके बाद पार्टी में दमखम हुआ, लोग जुड़ने चालू हुए,
लेकिन उसके बाद में अगर आप जो है फिर राष्ट्रीय लोकदल के लोग कहाँ जाएंगे, टिकट मांगने समाजवादी पार्टी में जाएंगे, काम करेंगे, ये बात 2022 में भी तो उठी थी, कमल गौतम आपकी जनरल सीट पे मर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अनिल कुमार कमल गौतम के मुकाबले मजबूत कैंडिडेट हैं। मीरापुर में मुस्लिम को देने की बात थी गठबंधन में, लेकिन आखिर में चंदन को दिया गया, दोनों को जो दिया गया है वो मेरी मजबूती को और मेरे कर्म को टिकट मिला है। वही कह रहा कि चयन का प्राथमिकता ये थी, जैसे मुजफ्फरनगर की सीट पर, जो मुजफ्फरनगर को लेकर जहां हरेंद्र मलिक के, आज जीते कोई हारे कोई, ये तो 4 तारीख को जिसके भाग्य में होगा, चाहे संजीव जी जीते चाहे हरेंद्र जी, पर हरेंद्र चुनाव तो मजबूत लड़े ना, संजीव बालियान के सामने, इतने मजबूत नेता के सामने 10 साल में संजीव बालियान ने अपना कैडर बनाया, उसके सामने हरेंद्र मलिक के अलावा चुनाव इतनी मजबूती से शायद कोई प्रत्याशी न लड़ पाता। इसमें कोई दो राय नहीं है, मलिक साहब मजबूत चुनाव लड़े हैं, हार जीत का अंतर भी कम है, 10,000 से 50,000 तक हार जीत होगी, जो मुझे लगता है बड़ा अंतर नहीं होगा। और दूसरी बात रही, मान लो ये राष्ट्रीय लोकदल की साथ में ही शर्त क्यों कि हम आपको 7 सीट दे रहे हैं, उसमें 6 प्रत्याशी हमारे होंगे, 5 हमारे होंगे, कांग्रेस को 17 सीटें दे दी इन्होंने, दी उन 17 सीटों में कोई प्रत्याशी समाजवादी का लड़ रहा है चुनाव, तो ये कांग्रेस को 17 सीट दे दी, कांग्रेस अपनी 2 सीट जो उनकी पुश्तैनी है वहां भी आखिरी समय तक कैंडिडेट नहीं लड़ाने की हिम्मत कर पाई। ये आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसके पास अपने प्रत्याशी है, नहीं तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो या RLD हो, आयातित प्रत्याशियों के भरोसे राजनीति करनी पड़ रही है, जो आज धरातल की सच्चाई है। आप 2 टिकट अगर जैन जी को मिले हैं तो 1 जैन जी ने सपा के नेता को दिया है, चंदन सपा के पैदाइश है, सपा के नेता थे, सपा की पैदाइश है, सपा ने उनको विधानसभा तक पहुंचाया, कैडर बनाया। मेरा कहना यही है, ये परिस्थिति पार्लियामेंट में भी हो सकती थी, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ सकता था, लेकिन आप आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति उन परिस्थितियों के मुकाबले हरेंद्र मलिक संजीव जैसे कद्दावर नेता के सामने इस स्थिति में आए कि जयंत जी के पिताजी अजीत सिंह जी 6,000 वोटों से हारे थे और जबकि बसपा भी साथ थी। आप हरेंद्र मलिक आप ही की बात को बड़ी रखेंगे, बसपा के वोट निकलने के बाद भी उसी स्थिति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा मजबूत चुनाव कोई शायद नहीं लड़ सकता था। जीत हार अलग विषय है, संजीव जी के भाग्य में वो ठीक है, हार जीत अलग विषय है, लेकिन मलिक साहब का अपना पर्सनल आधार भी है इस बात को, उनके जो आपका पुरकाजी में है वो मलिक साहब का है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन जो वोट उन्हें आज मिल रहा है, चाहे वो राजपूत समाज का हो, जो भी मिल रहा है, चाहे वो त्यागी समाज का है या अन्य है, वो देखो डॉक्टर संजीव बालियान का जो व्यक्तिगत विरोध 10 साल में सभी का हो जाता है, 10 साल में भी 5 साल सत्ता में रहा, 5 साल विपक्ष में रहा, तीसरा चुनाव हम लोग भी हार गए थे, तो एंटी कन्वेंसी होती है, जो उनके विरोध का वोट उन्हें मिला इस कारण वो वहां तक पहुंच रहे हैं। जिन मतदाताओं ने, जिस अल्पसंख्यक या सेक्युलर मतदाता ने आपको 0 से 9 तक पहुंचाया, क्या आपको उस गठबंधन चेंज करने से पहले उनसे राय सुमारी, उनसे सलाह करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आपको जिसने पूरा शोरूम सजा के दे दिया, 9 विधायक आपके चुनवा दिए, उस अल्पसंख्यक मतदाता को आज ठगा महसूस नहीं कर रहा है कि चुनाव के समय यकायक आप वहां चले गए, जिनको 9 साल से आप गाली दे रहे थे, उस किसान को जिसका 214 करोड़ का के लिए 3 महीने किसान शामली मिल पर धरने पर बैठे, जहां जैन जी 2 बार आए, जैन जी ने उनकी लड़ाई लड़ने की बात की, लेकिन अगर 214 करोड़ किसान को दिलाने की बात ही करते तो शायद सकारात्मक होता, चाहे महिला पहलवानों का विषय हो, किसानों का MSP का मुद्दा हो, गन्ने का भुगतान हो, ये मुद्दे तो बदस्तूर जारी रहे ना, इसलिए लोगों को दिक्कत रही। बहरहाल आपसे रोचक चर्चा हुई, आप NDA गठबंधन में हुए, अपने दोनों प्रत्याशियों की जीत के लिए आपने मेहनत की, जीतेगा कौन हारेगा कौन ईश्वर के अधीन है, मतदाताओं का फैसला है, आपने अपने बेशकीमती समय में समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे पुरकाजी से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, स्वाभाविक रूप से अब NDA में गए हैं तो NDA की खूबियां बताएंगे, NDA की मिसहसता बताएंगे और बताएंगे कि किस लिए जाना जरूरी था
और दोनों प्रत्याशियों को एज पर दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सीट के बारे में इनका भी मानना है कि नजदीक का मुकाबला है, हालांकि एज ये संजीव जी को दे रहे हैं। इंदौर की सीट के लिए ये आरएलडी को अच्छी खासी लीड के साथ समाजवादी पार्टी से टक्कर में बता रहे हैं, जिसमें एज सीधे सीधे चंदन चौहान को दे रहे। फैसला क्या होगा, यह आपने निर्णय किया है या ईश्वर बताएंगे 4 जून को किसके पक्ष में फैसला आएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह की राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़े रहे रॉयल ब्रिटेन के साथ। सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।